हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल वीबी ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी एक कॉलम में अवेलेबल डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। हमारे पास रेप्स नाम की सीट में एक कॉलम में कुछ डेटा है। हम क्या करने वाले हैं, तो बटन ऐड करेंगे इस सीट में, जिसमें एक बटन पे क्लिक करने पर ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा और दूसरे बटन पर हम क्लिक करेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा। सो अगर बटन के क्लिक पर इस डेटा को हमें सॉर्ट कराना है, सो या तो हम कोई सेप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जिस पर बाद में मैक्रो असाइन कर सकते हैं, या फिर हम एक्टिव एक्स कंट्रोल से बटन ऐड कर सकते हैं। सो सेप तो हमने ऐड करना पहले सीख ही लिया था, इस बार हम एक्टिव एक्स कंट्रोल से बटन ऐड करते हैं। सो उसके लिए हमें जाना होगा डेवलपर टैब पर और इसमें कंट्रोल्स ग्रुप के अंडर में हमको इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ग्रुप्स हो रहे होंगे, जिसमें सेकंड ग्रुप जो है उसमें एक्टिव एक्स कंट्रोल है। इसका जो पहला आइकॉन है वो कमांड बटन का है, इस पर क्लिक करके एक बटन ड्रॉ कर देंगे और हमको दो बटन चाहिए, तो एक बार हो जाएंगे इंसर्ट बटन पे और एक बार और कमांड बटन पे क्लिक करके एक दूसरा बटन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। सो अभी आप देखोगे इन दोनों का जो कैप्शन शो हो रहा है वो हो रहा है कमांड बटन वन और कमांड बटन टू। सो इनको हमें अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पर हम क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज विंडो ओपन होगी जिसकी एक प्रॉपर्टी है कैप्शन। इस कैप्शन को हम चेंज कर देंगे सॉर्ट बाय असेंडिंग ऑर्डर, और दूसरे वाले बटन की प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए इस पर लेफ्ट क्लिक करोगे। सो यहाँ पर अब जो प्रॉपर्टी शो हो रही है वो दूसरे बटन की, इसका भी कैप्शन चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं सॉर्ट बाय डिसेंडिंग ऑर्डर। प्रॉपर्टीज विंडो को क्लोज कर देते हैं और इन बटन्स पर कोड ऐड करने के लिए हम किसी भी बटन पर डबल क्लिक करेंगे। सो ये एक विंडो ओपन करेगा जिसमें एक सबरूटीन पहले से बन के आ रहा होगा, इसके अंदर हमको कोड लिखना है और वो कोड जो कमांड बटन पहला वाला है उसके क्लिक पर रन होगा। वीबीए में सॉर्टिंग करना बहुत ईजी होता है। रेंज ऑब्जेक्ट पर हम सॉर्ट फंक्शन को यूज करते हैं सॉर्टिंग करने के लिए। सो जैसे कि अगर एक्सेल की सीट पे जाकर देखें, सो हमारी रेंज है A1 से A19 तक। सो हम दे देंगे रेंज A1 से A19 तक, इस पर हमें कराना है सॉर्ट, तो हम सॉर्ट फंक्शन यूज करेंगे और इसके कुछ पैरामीटर होते हैं जो कि हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहला है key1। key1 में हम उस कॉलम के पहले सेल को लिखेंगे जिस पर हमें सॉर्टिंग करानी है। तो जैसे हमारा एक्सेल है, इसमें अभी सिर्फ सिंगल ही कॉलम है और इसी पर हमको सॉर्टिंग करानी है, और इस कॉलम की जो रेंज स्टार्ट हो रही है वो A1 से है, तो हम यहाँ पर दे देंगे रेंज A1। दूसरा पैरामीटर होता है ऑर्डर 1, इसमें हम देते हैं कि हम जो डेटा सॉर्ट करने वाले हैं वो असेंडिंग में है ऑर्डर में सॉर्ट करने वाले हैं डिसेंडिंग में, हमें असेंडिंग में कराना है। सो हम यहाँ पर पास कर देंगे एक्सेल असेंडिंग। और तीसरा पैरामीटर हमारा जाएगा हेडर, जिसमें हम एक्सेल यस, एक्सेल नो या एक्सेल गैस पास कर सकते हैं। सो अगर आपके डेटा में कोई हेडर है, जैसे हमारे पास ये एजेंट टाइप का हेडर है, तो हम एक्सेल यस पास करेंगे, और नहीं है तो हम एक्सेल नो पास करेंगे। और आप चाहते हैं कि VBA का कोड आपके लिए गैस करे कि इसमें हेडर है कि या नहीं है, तो आप एक्सेल गैस का यूज कर सकते हैं, बट हम प्रेफर करते हैं कि अगर हेडर है तो एक्सेल यस का यूज करें, नहीं है तो एक्सेल नो का। जैसे हमारे डेटा में हेडर है तो हमने एक्सेल यस पास कर दिया। इस डेटा को हम कॉपी कर लेते हैं, चलते हैं एक्सेल की सीट पर और दूसरे बटन पर भी हमको कोड लिखना है। सो इस पर डबल क्लिक करते हैं और इस कोड को यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सिर्फ यहाँ पर हम इसका जो ऑर्डर है वो हमें डिसेंडिंग में करना है, तो इसको हम कर देते हैं एक्सेल डिसेंडिंग। चलते हैं एक्सेल की सीट पे और अब डिजाइन मोड पे क्लिक करके डिजाइन मोड को डिसेबल कर देते हैं और सॉर्ट बाय असेंडिंग ऑर्डर वाले बटन पे क्लिक करते हैं। सो आपने देखा हमारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर मतलब A to Z के ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, और अब अगर मैं सॉर्ट बाय डिसेंडिंग ऑर्डर वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, सो इसने हमारे डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ एक कॉलम था, उसी पे हमको सॉर्टिंग अप्लाई करनी थी, तो वो तो हमने सीख लिया। पर जैसे कि हमारे पास ये डेटा नाम की सीट है, इस पर
हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स हैं और इसमें किसी एक कॉलम में हमको सॉर्टिंग अप्लाई करनी है। जैसे कि मान लीजिए जो हमारे पास टोटल वाला कॉलम है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। सो अगर हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स हैं और उसके किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में हमको सॉर्टिंग अप्लाई करनी है, वो कैसे करेंगे वो सीखते हैं। इस शीट में भी एक बटन ऐड कर देते हैं, इंसर्ट में जाके एक बटन ड्रॉ कर देते हैं, इसका कैप्शन चेंज कर देते हैं शॉर्ट के नाम से, विंडो को बंद करते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं। सो जब हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स होते हैं तब भी हम सेम ही करते हैं, हम रेंज ऑब्जेक्ट ही देते हैं। तो रेंज जो हमारी है वो A1 से H65 है, या तो हम ये दे सकते हैं या फिर हम इस तरह लिख सकते हैं रेंज A1.currentRegion। तो कंटिन्यूस रेंज के लिए हम ये कर सकते हैं और फिर हम लिखेंगे शॉर्ट फंक्शन, बाकी सेम है। Key1 में हम उस कॉलम के पहले सेल को लिखेंगे जिस पर शॉर्टिंग अप्लाई करानी है। जैसे हमें H कॉलम पर शॉर्टिंग अप्लाई करानी है तो इसका पहला सेल है H1, यहां दे देंगे रेंज H1 और Order 1, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो अक्सर डिसेंडिंग दे देंगे। और हमारे पास हेडर है तो इसको हम XLS कर देंगे। चलते हैं एक्सेल की सीट पर और डिजाइन मोड पर क्लिक करके डिजाइन मोड डिसेबल कर देते हैं और अब शॉर्ट वाले बटन पे क्लिक करें तो देखिए टोटल वाले कॉलम के अकॉर्डिंग हमारा पूरा डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम मल्टी लेवल सॉर्टिंग पे बनाएंगे, मिलते हैं इस वीडियो में, बाय।